हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चा मैंगो बाइट कैंडी से बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक्स। कच्चा मैंगो बाइट मोजिटो बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है कच्चा मैंगो बाइट कैंडी। इन्हें मैंने ऐसे निकाल लिया है। अब इसका हम मिक्सी में पाउडर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पाउडर बनकर रेडी है। अब हम एक गिलास लेंगे और इसमें ये नींबू का टुकड़ा है ना, आसपास किनारे में इस तरीके से लगाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी एक लाइनिंग सी आएगी। अब हम इसको पाउडर में इस तरीके से कर देंगे। ये कच्चा मैंगो बाइट का ही पाउडर है और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। गिलास में हम डालेंगे नींबू के टुकड़े। इन्हें मैंने छिलके के साथ लिया है, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें पुदीने की पत्तियां डालेंगे और डालेंगे एक चुटकी काला नमक। अब इन सबको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, बेलन से या फिर किसी और चीज से। बस इसको हल्का सा ही क्रश करेंगे क्योंकि हमें नींबू और पुदीने का हल्का सा ही फ्लेवर चाहिए। अब इसमें डालेंगे कच्चा मैंगो बाइट कैंडी का पाउडर। अभी हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आइस क्यूब। अब 1 चम्मच डालेंगे कैंडी पाउडर। इसके बाद हम यहाँ पे स्प्राइट डालेंगे। यदि आप सिंपल सोडा डाल रहे हैं तो फिर शुगर पाउडर जरूर ऐड करें। स्प्राइट पहले से ही मीठी होती है, इसलिए मैंने शुगर पाउडर का यूज नहीं किया है। ड्रिंक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, पुदीना और नींबू सारे ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें हम स्प्राइट और डालेंगे। अगर एक साथ स्प्राइट डालते तो ये झाग बनकर ऊपर आ जाती। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी बहुत ही रिफ्रेशिंग कच्चा मैंगो बाइट मोजिटो। ये ड्रिंक्स बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।